तो सभी का हिंदी सत्र में स्वागत है, सभी को नमस्ते। तो नीना दीदी का परिचय रख देती हूँ। नीना सेठ पजनी दीदी प्रिंसिपल हैं गोविंदगढ़ पब्लिक कॉलेज खन्ना लुधियाना में। दीदी ने अपना फर्स्ट UHV जुलाई 2023 में किया था। ओवर टू यू दीदी। थैंक यू, मैरी क्रिसमस टू ऑल और सभी मेरे UHV परिवारजन को मैरी क्रिसमस, और सभी गुरुजनों को नमस्ते, जो भी को एक्सप्लोरर हैं जिनकी वजह से इतना जान पाई, सभी को सादर नमन मेरी तरफ से। क्योंकि मेरा आप सब के कंपैरिजन में मैं पाती हूँ कि एक्सपीरियंस बहुत कम है, क्योंकि आप लोगों ने UHV के साथ जो जर्नी लंबी की, मेरी जर्नी दूसरी तरह से रही है। पर UHV मैं सिर्फ जुलाई में ही जुड़ी हूँ, जैसा कि दीदी बताया, तो अपनी अल्प बुद्धि के कारण कोशिश करूंगी कि सही समय का इस्तेमाल करते हुए और सही शब्दों में समझा पाऊं कि मैं क्या समझ पाई हूँ। तो मैं, जैसा कि दीदी ने बताया, कि मैं प्रिंसिपल हूँ, मेरा डिग्री कॉलेज है UGC, रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज वहाँ पे चलते हैं, तो वहाँ पे UHV का कोई भी प्रोग्राम नहीं होता है। तो मैं 13.5 साल से करीब यहाँ पे गोविंदगढ़ पब्लिक कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ। और पर ये जो वैल्यूज की बातें होती हैं, ये मेरे दिमाग में पहले ही चलती थी, क्योंकि टोटल प्रिंसिपल बने हुए मुझे 15 साल हो गए। तो इन टोटल जब मैं फैकल्टी और स्टूडेंट्स में पाती थी कि वैल्यूज की कमी है, तो चीजें मुझे हमेशा से डिस्टर्ब करती थी। तो उसके लिए मैं पूरी कोशिश करती थी कि मैं अलग अलग ओरल स्टोरीज के बहाने से या किसी ना किसी बहाने से बच्चों के साथ वैल्यूज की बातें करती हूँ। और मैं थोड़ा सा अपनी ट्रांजिशन जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ। UHV से पहले जो मेरा थोड़ा सा इस तरह रुकाव था, जिसकी वजह से मैं UHV में पाई। तो अगर मैं अपने मायके की बात करूँ, तो मेरे जो पिता थे वो बहुत ज्यादा रिलीजियस थे, और मैं बचपन से उनको देखती थी कि वो बहुत ही ज्यादा पाठ करते होते थे, हालांकि वो IPS थे। पर और मेरी हर इच्छा वहाँ पे पूरी होती थी, और मैं बहुत ही जिद्दी स्वभाव की थी। पर जब उनकी पूजा होती थी, सुबह उठ जाती थी, तो वो जब पूजा करते थे, तो मैं उनके पीछे पीछे बोलती थी, क्योंकि वो बोलकर पूजा करते थे। तो काफी अर्ली एज में मुझे काफी चीजें जो जो वो बोलते थे, दुर्गा सप्तशती या 40सा, तो उनके पीछे पीछे काफी मैं कंठस्थ कर लेती थी। पर वो मेरे जिद्दी स्वभाव से काफी ज्यादा विचलित रहते थे, क्योंकि उनके पास समय भी कम होता था, पर उनको लगता था कि इसको इतना जिद्दी नहीं होना चाहिए, जैसा कि माना जाता है कि लड़कियों को जिद्दी नहीं होना चाहिए। मैं अपनी हर इच्छा पूरी करवा ही लेती थी किसी ना किसी तरह से। पढ़ने में ठीक थी, अच्छी थी, और जब 86 में मैं जब 9th क्लास में थी, तो उस वक्त संस्कृत ले रखी थी, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, वहाँ संस्कृत सब्जेक्ट होता था। तो उसमें मैं फर्स्ट आई, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुझे प्राइज मिला। तो एक छोटी सी गुटका रामायण मुझे प्राइज में मिली, गिफ्ट में दी। तो वहाँ जो खड़े थे सज्जन, वो पता नहीं DC थे या क्या थे, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटा, इसको रोज पढ़ना, और जब आप इसको रोज पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कि आप बड़े आदमी बन गए, पढ़ते पढ़ते बन जाएंगे। उन्होंने मेरे दिमाग में ये डाल दिया। 9th क्लास से ही मैंने उसको, वो छोटी जो गीता थी, उसमें संस्कृत और नीचे हिंदी ऐसे लिखा हुआ था, ट्रांसलेशन की हुई, तो मैं हिंदी वाला पार्ट उसमें पढ़ने लगी। कभी कुछ खोल कर पढ़ लिया, कभी कुछ खोल पढ़ लिया, और आहिस्ता आहिस्ता ये सब मेरा चलता रहा 86 से लेकर 94 तक, जब मैंने MSc की। MSc मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की है, और मुझे नहीं पता चला कि मेरे जीवन पर उसका कब प्रभाव पड़ गया। और मेरी ट्रांजिशन मेरे फादर ने भी फील करी। तो हमारे, मेरे फादर ने गुरु धारण किए हुए थे, जो हमारे घर में ही आते थे, तो वहाँ पे पूरे मोहल्ले के लोग आते थे, वो प्रीचिंग देते थे, तो उनका भी मुझ पे प्रभाव पड़ा। तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा थोड़ा मेरे पे काम करना शुरू करा उन गुरु के थ्रू। तो वो, मैंने थोड़ी अपनी लिमिटेशन और सादा रखना शुरू करा कि सादा जीना चाहिए, तो मेरे पे उसका बहुत प्रभाव हुआ। मैंने अपनी जरूरतें लिमिटेड, मेरा जिद खत्म हुई, और 98 में मैंने PhD कर, और
मतलब कि 25 साल होने से पहले मेरी पीएचडी पूरी थी और उसके बाद मेरी जॉब लग गई। और जब मैं 25 साल की थी करीब, तो उस वक्त मेरी मैरिज हो गई और मेरी अरेंज मैरिज हो गई। रिलीजियस फैमिली में ही मैं आई। मैरिज से पहले मेरी माताजी बहुत कम पूजा पाठ करती थी, पिताजी करते थे। और जब मैं यहाँ पर आई तो मेरी जो मदर इन लॉ है वो काफी पूजा पाठ करती थी और मैं उनका साथ देती थी। उनके लिए उनकी फेवरेट बहू बन गई। मेरे हस्बैंड, दो ब्रदर हैं और एक सिस्टर है, तीन भाई बहन हैं। तो इस तरह से जब मेरी जर्नी चलने लगी, उसके बाद मैंने गीता को पढ़ना जारी रखा। पर मेरी जो सासू माँ थी वो ये कहती थी कि घर में महाभारत और गीता को नहीं रखा जाता है, मैरिज के बाद ये तुम्हें पढ़ना ठीक रहता, क्योंकि तब तक ना मेरा ये भाव बन चुका था। तो यह महसूस करती थी कि इसको मैं कोई गहना कपड़ा कुछ भी ला कर देती हूँ तो ये कुछ भी खुद जाहिर नहीं करती। जैसे मेरे कंपनी में जो मेरी ननद थी वो उछल पड़ती थी या खुश होती थी और मैं कहती थी हाँ ठीक है थैंक यू, और उनको ये लगता था कि इसे एक्सप्रेस क्यों नहीं किया, ग्रैटिट्यूड नो एक्सप्रेस नहीं किया, खुशी एक्सप्रेस नहीं करी। उन बात मेरी बहुत ज्यादा बुरी लगती थी और मुझे नहीं पता था जब तक उन्होंने पॉइंट आउट नहीं किया था कि मेरी आदत में शामिल हो चुका था। तो उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई और सितंबर 2000 में मेरी बेटी का जन्म हुआ। तो उसको कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स, काफी ऑपरेशन और सब कुछ करने के बाद एक्सपायर हो गई। और तब तक भाव मुझ में ये बना हुआ था कि मेरे फादर आए तो उन्होंने कहा कि तू भगवद गीता पढ़ती है, इसको 18वां अध्याय पढ़कर सुनाओ तो इसकी गति हो जाएगी। मैंने आराम से बैठकर पढ़ा, रो तो रही थी पर मैं बहुत ज्यादा विचलित नहीं थी। पर उसके जाने के बाद अब घर में मेरे जो जेठ हैं उनकी मैरिज मेरे बाद हुई थी और उनके 2 महीने के बाद बेटा पैदा हुआ। तो इन बिटवीन बहुत कुछ मेरी मदर इन लॉ ने कहा, क्योंकि जब मैंने वो भगवत गीता पढ़ के सुनाई तो उन्होंने कहा कि अब आपको घर में नहीं रखेंगे, मंदिर में दान कर देंगे, क्योंकि किसी को मरते वक्त पढ़कर सुनाई गई है। मैंने उसे दान कर दिया। उसके बाद उन्होंने घर में भी नहीं लाने दिया कि अगर मेरी बात मानती हो तो आज के बाद तुम इसे घर में नहीं लाओगी, ना ही इसे पढ़ोगी। तो और भी बहुत सी बातें कही गई कि आप थोड़ा अच्छी किस्मत नहीं है, या कुछ इस तरह की जो बातें कि जो मुझे सुननी भी अच्छी नहीं लगी और जो मैं मन में कभी रिपीट भी नहीं करती थी क्योंकि संस्कार ऐसे बन चुके थे। तो उसके बाद उन्होंने, जब मैं पहले था तो थोड़ा, उसके बाद मैं थोड़ा फियर में जीने लगी कि हाँ अब आप ये व्रत रखेंगे, एकादशी का व्रत रखेंगे, अब आप ये रिचुअल को मानेंगे, ये करेंगे, क्योंकि अब बच्चा ना होना अपने आप में बहुत ही एक वो रहता है कि एक कोई भी स्त्री उल्टा कहलाती है, ये कहलाती है। डर की वजह से मेरा पूजा पाठ शुरू हुआ, मेरा व्रत शुरू हुआ। उससे पहले मैं कभी कोई व्रत नहीं रखती थी। मेरे फादर ने कहा था तुम अपनी बॉडी का ध्यान रखो, दिमाग का ध्यान रखो, ये फालतू की बातें हैं। पर उसके बाद मेरे में फिर शुरू हुआ, जैसे मेरे मदर इन लॉ कहती थी उसके अनुसार जीने लगी। मुझे आहिस्ता लगा कि मैं अपने पिछले संस्कार भूल रही हूँ, डर की वजह से, फैमिली चलाने की वजह से था। मेरी उनसे कभी कोई लड़ाई नहीं आई। मन में भाव होता था कि ये मुझे अपनी तरह चलाने को कह रही है। इन बिटवीन मैं यहाँ पंजाबी यूनिवर्सिटी में रिसर्च साइंटिस्ट के उसमें आ गई, मेरी जॉब वहाँ लगी हुई थी। वहाँ से उन्होंने छुट्टी दिलवा दी क्योंकि 2 घंटे का सफर चलता था। तो इसके बाद क्या हुआ कि 2000 में मेरी बेटी एक्सपायर हुई थी, तो 2002 फरवरी में मेरी मदर एक्सपायर हो गई और उसके बाद मार्च में मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई। अचानक ही दोनों में कैंसर हुआ था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब कि और 2003 एक जनवरी को मेरे बेटे का उसके बाद जन्म हुआ। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे फादर ने मुझे ये कहा कि तुम रामायण पढ़ोगी, तो पूरी प्रेगनेंसी में मैंने रामायण पढ़ी। मैं अपने बेटे के विचार भाव में भी मैं उसे देख पाई कि वो काफी स्टेबल था।
तो ये जर्नी इस तरह से चलती रही। भगवत गीता बिल्कुल ही छूट चुकी थी। हाँ, 2002 या 3 में मैं सिस्टर शिवानी को मैंने सुनना शुरू किया। शाम को टीवी पे प्रोग्राम आता था, शायद एंकर उसमें कनुप्रिया या कुछ थी। वो इतना ज़्यादा सुकून देती थी वो सारी बातें कि मैं उसे लगातार सुनती रही। 2008 में मेरे फादर एक्सपायर हुए। मैं शाम को घर पे पहुंचती हूँ, उनको बर्फ पे रख रखा होता है, तो मेरी भाभी कहती है कि बाबूजी की इच्छा थी कि मेरा शेर पुत्र ही आकर मुझे 18वां अध्याय पढ़कर सुनाए कि तुम इसको पढ़ो। उस वक्त मैंने भगवत गीता काफी साल के बाद पढ़ी। लगभग 10 साल के बाद मैंने भगवत गीता पढ़ी। पूरी रात पढ़ती रही, रोती रही, सारी जर्नी अपनी याद करती रही कि मैं क्या थी, फादर ने क्या सिखाया था और मैं क्या हो गई। मैं तो सुविधा जुटाने में लग गई, मैं इतने फियर में जीने लग गई। आखिर में आकर तो सबको मरना है और शरीर तो त्यागना ही है, यही तो सिखाया था। और मैं किस चीज के पीछे भाग रही थी। वहां बैठे बैठे पूरी रात एक तरह की मेरी जर्नी पूरे से वही सब सब कुछ याद आने लग गया। और उसके बाद मैं घर आ गई और 2010 में मैं यहाँ एज ए प्रिंसिपल जब मैं अपॉइंट हुई तो मैं यहाँ आकर आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी। उसके काफी कोर्स किए, बच्चों को भी मैंने यस के 20 से 30 प्रोग्राम्स यहाँ स्टूडेंट्स के लिए कराए जो यंग्स उसके लिए होते हैं। और उसके बाद 2017 में मैं ईशा फाउंडेशन से भी जुड़ी और 2019 में इस्कॉन से जुड़ी, क्योंकि हमारे जो ट्रस्ट के मेंबर हैं प्रेसिडेंट वो इस्कॉन से जुड़े हुए थे। और इस दौरान मेरी एक जर्नी, एक क्यूरोसिटी चलती रही कि मुझ में जो पहले वाली नीना थी वो पहले वाली नीना अब नहीं है। मैं इमोशनल फूल बन चुकी थी, मैं उससे बाहर निकलना चाहती थी। सम भाव मुझ में गायब था। बच्चे को लेके मैं बहुत फियर में रहती थी, हर तरह के व्रत रखती थी। पहले क्योंकि बच्चा खो दिया था तो हमेशा डर लगा रहता था कि इसको भी कुछ ना हो जाए। इसी फियर में, डूज एंड डोंट्स में जीती हुई मेरी लाइफ निकल रही थी, पर अंदर की कुलबुलाहट शांत नहीं हो रही थी। इसलिए कभी एक जगह प्रोग्राम करती थी, कभी दूसरी जगह करती थी। ये मेरी जर्नी चलती रही कि मैं इसमें से कैसे बाहर निकलूं। बहुत से एनर्जी हीलिंग के सेशन लिए, एक्यूप्रेशर सीखा क्योंकि बीच में हेल्थ खराब हो गई। और क्योंकि मेरी शादी एक फैमिली में हुई जहां मेरे फादर इन लॉ डेप्टी डायरेक्टर आयुर्वेद पंजाब सर्विसेज रिटायर हुए थे, घर में आयुर्वेद का माहौल था, नेचुरल ही थेरेपी मुझे ये काफी अट्रैक्ट करती चीजें। नेचर से मुझे मेरे फादर ने ही जुड़ा था। जब मैं बीएससी में थी, बॉटनी मेरी बहुत अच्छी होती थी, तो हमारे टीचर में समझाते थे कि आप पेड़ों से बातें करें, और उनको वो हमें एक एक पेड़ देते थे कि अब आप इस कंपैरिजन करो और देखो कि जब आप इससे अच्छी बातें करते, अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि आप अच्छा ग्रो करोगे तो ये कितना अच्छा ग्रो करते हैं, क्योंकि ये भी तो सुन पाते हैं। तो ये तब मैं उससे जुड़ी थी। और एनवायरनमेंट के लिए थोड़ी कॉन्शियस और पेड़ों के लिए प्यार तो तब था, पर हर्बल की तरफ शिफ्ट मैं मैरिज के बाद ही हुई। 2006 में मैंने ध्यान देना शुरू किया था, एलोपैथिक मेरे शरीर को बिगाड़ रही है। और बहुत बड़ा एक अस्थमेटिक अटैक आया और मेजर एक्सीडेंट भी हुआ, और वो सब हीलिंग मेरे फादर इन लॉ की हर्बल मेडिसिन वजह से हुई। तो उसके बाद मैं टोटली आयुर्वेद की तरफ शिफ्ट हो गई। और ये जर्नी करते करते अब मैं थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की तरफ चलती हूँ। मैं माफी चाहती हूँ अगर ज्यादा टाइम ले लिया। और अगर मैं सेल्फ की बात करूँ तो फॉर बॉडी को मैं अब अलग करके देख पाती हूँ। यूएचवी कोर्स लगाने के बाद मुझ में एक इच्छा जागृत हुई और मैं समझ पाई कि जो कुछ है वो सेल्फ और बॉडी अलग अलग कर रही है, और मैं उनकी नीड को अलग अलग देख पा रही हूँ। मेरे सेल्फ की ही मुझे प्रेरणा देती है कि मैं यूएचवी से जुड़ूं, और सेल्फ की क्यूरियोसिटी पूरी होने लगी तो मैंने 5 दिन का कोर्स ऑनलाइन लगाया। और ये सब के बारे में मुझे, यूएचवी के बारे में तो डॉक्टर रजनीश अरोड़ा जी से ही पता चला,
कि वो जब फरवरी में आए थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा था कि यहाँ भी यूजीसी रिकॉग्नाइज वाले कोर्स इंट्रोड्यूस होने चाहिए। और सेल्फ एक्सप्लोरेशन व राइट अंडरस्टैंडिंग से जब मेरा मन शांत होने लगा तो एक्सप्लोर करने और मन करने लगा। तो जो सुबह का जब मैंने ये 4 महीने का सत्र ज्वाइन किया तो आप सबके प्रश्नों से ही मेरी जिज्ञासा शांत होने लगी। तो मेरी और मन किया कि मैं इससे जुड़ी रहूं। तो उसके बाद ये एक नेसेसिटी नजर आने लगी कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन जर्नी में ये एक नेसेसिटी है कि मैं और एक्सप्लोर करती रहूं। और सेल्फ ने बॉडी को कंट्रोल किया और हर रोज कंडीशनिंग हो गई, और तभी मैं हर रोज मीटिंग अटेंड कर पाती हूँ, ऑन कर पाती हूँ। पहले भी 5 बजे उठ जाती थी, पर पहले मेरे 6 से 7 का मेरा ऑनलाइन योगा क्लास चलती थी, मैं उसे साइमल्टेनियसली और पैरेलल कर लेती थी। पर मैं ध्यान देती थी कि मैं आप सबके प्रश्नों पे और कुमार भैया को अच्छे नहीं सुन पा रही, तो मैंने वो अपना टाइम भी चेंज किया। अब मैं अपने भाव विचार को पढ़ पाती हूँ और पाती हूँ कि ज्यादातर मैं आराम हूँ। मैं जब अलग अलग चीजों के पीछे घूम रही थी, अलग अलग जगहों पे रिलीजियस उससे जुड़ रही थी, तो वहाँ पे मेरी जिज्ञासा इसलिए शांत नहीं हो पा रही थी क्योंकि वहाँ वही वो एक प्री डिफाइंड डूज एंड डोंट्स और व्हाट टू फॉलो व्हाट नॉट टू फॉलो का एक प्रोग्राम चलता था। पर यूएचवी एक प्रोसेस चला जिसमें आप एक प्रपोजल को मानकर उसके पीछे जाना चाहते हैं और खुद की नेचुरल एक्सेप्टेंस से कुछ करना चाहते हैं। और मुझ में कौन सा भाव चले अगर ये अपने बारे में डिसीजन लेने से संबंधित है, तो हाँ मैं मेंटली फिजिकली स्पिरिचुअली और इमोशनली हर तरफ से खुद को प्रॉस्पेरस और समृद्ध बनाने के निर्णय में खुद ही भागीदार रहती हूँ और चाहती हूँ कि मैं इसमें बनी रहूँ। हमेशा खुशी के कंटिन्यूअस खुशी महसूस करती रहूं। यूएचवी से पहले 60% निर्णय समझ के आधार पर होते थे और 40% मान्यता के आधार पर होते थे, पर अब मैं पाती हूँ कि मुश्किल से 5 से 7% ही मान्यता के आधार पर होते हैं, बाकी मैं समझ के आधार पर नेचुरल एक्सेप्टेंस से ले पाती हूँ। अगर फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप की बात करूं तो मैं यूएचवी अटेंड करने के बाद सेल्फ से का संबंध देख पाती हूँ। जैसे कि सही 6 बजे मेरी जो मेड है वो बजा देती है, तो मैं उससे ये संबंध देख पाती हूँ कि ये मेरी तरह पंचुअल है, बिल्कुल टाइम से आती है, तो मैं राइट वैल्यूएशन करते हुए यहाँ उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। और देख पाती हूँ कि अगर वो लेट या जल्दी आ जाती है तो मैं पहले की तरह चिल्लाती नहीं हूँ उस पे, और कुछ भी निर्णय लेते वक्त या बात करते हुए कोशिश करती हूँ कि दूसरे की कॉम्पिटेंस के अनुसार बात कहूँ, वह राइट वैल्यूएशन के आधार पर ही रिस्पेक्ट रखते हुए रिलेशन मेंटेन रख पाऊँ। अब मैं पॉज लगा पाती हूँ, जैसे कि मेरे बेटे के व्यवहार पर पहले मैं कंट्रोल करना चाहती थी उसकी आदतों को। अब वो 21 साल का हो जाएगा 1 जनवरी को, तो काफी वो खुद कहता है कि मम्मी आप में चेंज है, पहले की तरह रुका टोकी नहीं करते और अब मुझे अच्छा लगता है। और मैं पाती हूँ कि उसमें पहले से ही वो संस्कार है, शायद मेरे रोकने टोकने से वो कभी झूठ बोलता था। और ज्वाइंट फैमिली में भी मैं खुश रहती हूँ और बहुत कम होता है कि अपोजिशन का भाव कहीं आए। पहले चीज़ों को इग्नोर करती थी, अब इग्नोर नहीं करती, अब बैठ के हम बात करना चाहते हैं। एक बार बहुत पहले भी मैंने शेयर किया था कि मैंने जब घर शिफ्ट किया तो पहले पिछले घर में हर एक कमरे में टीवी और केबल कनेक्शन था। तो फिर मैं इसके आगे चलती हूँ कि अपनी बॉडी में मैं देख पाती हूँ कि जैसे मेरी बॉडी में सब सेल्स कोएग्जिस्ट कर रही हैं और हार्मनी में हैं, और सब टिश्यू और ऑर्गन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं और आइसोलेशन में कोई भी काम नहीं करता। तो
तो इस तरह से मैं फैमिली में भी सभी मेंबर्स की भूमिका और कॉम्पिटेंस अलग-अलग है, पर इकट्ठे होकर ही काम होता है, अलग आइसोलेशन में काम नहीं हो पाता, मैं देख पाती हूँ। और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर भी मैं सभी फैकल्टी मेंबर्स को उनकी एक्सपर्टीज और कॉम्पिटेंस के अनुसार काम पहले भी देती थी, पर पहले एक ऑर्डर और फरमान के रूप में देती थी, अब मैं उनको बिठाकर समझा पाती हूँ कि इसका कारण क्या है, तो काम ज़्यादा अच्छे से होने लगा है। और अगर मैं सेल्फ और बॉडी को एक्सरसाइज 2 के अनुसार बात करूं, तो मैं क्लियर कट देख पाती हूँ इंटरेक्शन की, जो भी क्रिया प्रतिक्रिया मेरी बॉडी करती है, वह पहले मेरे विचारों में आता था, पहले उसकी गति बहुत तेज थी, UHV जब कर रही थी उस वक्त भी, पूरा होने के बाद मैं उसमें देखती थी, और जब ठीक डिसीजन लेती तो ध्यान ही नहीं जाता था, और जब डिसीजन गलत होता था या रिएक्शन के रूप में होता था, तो कभी कभी रिग्रेट होता था कि ये क्या कर दिया। अब एक्शन रिएक्शन या रिस्पॉन्स से पहले ही अपने विचारों को देख पाती हूँ कि क्या वह नेचुरल एक्सेप्टेंस के अनुरूप है या प्री कंडीशन माइंड उसमें अपनी चला रहा है। और अब मैं अक्सर खुद को टोक पाती हूँ कि खुद के विचारों पर कंट्रोल करूँ, अगर वो प्री कंडीशन होता है तो उसे ठीक कर पाती हूँ, और मैं अपने सेंसेशन को पढ़ पाती हूँ, जैसे फिलहाल मेरे शोल्डर में पेन है, पर मैं सेल्फ को अलग करके देख पाती हूँ कि मेरी नीड है कि मुझे ये काम करना है, तो मैं उसको करूँगी। और मैं अनलर्न कर पाई हूँ अपने प्री अजम्पशंस के बेस पर डिसीजन लेने को काफ़ी हद तक, और मैं अनलर्न कर पाई हूँ सभी डूज एंड डोंट्स को जो विभिन्न रिलीजन टेक्स्ट से मिले थे या फैमिली से मिले थे, और मैं रीलर्न कर पाई हूँ राइट अंडरस्टैंडिंग के बेस पर नेचुरल एक्सेप्टेंस को पहचानना, काफ़ी हद तक अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है, और नेचुरल एक्सेप्टेंस को अपने स्वभाव बना पाई हूँ, कॉन्शियस होकर जीने की पूरी हद तक कोशिश कर रही हूँ कि कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में रहूँ। अपोजिशन का भाव मुझ में तभी है जब मैं ये श्योर कर पाती हूँ कि दूसरा बंदा जानबूझकर मेरा बुरा कर रहा है या झूठ बोल रहा है, और उस वक्त मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि डायलॉग कर या टाइमली कम्युनिकेशन से उस चीज़ को सुलझा पाऊँ। और एग्जाम्पल देने का तो यहाँ पे अभी फिलहाल टाइम नहीं है, और घर में भी मैं देख रही हूँ कि मैंने पहले से अपने बेटे को जो उसमें अच्छे संस्कार आए, फियर की वजह से जो उसको सोचती थी कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो मैंने कमी सब मुझ में ही थी, जब मैंने अपना व्यवहार ठीक किया तो वहां अपने आप ठीक होने लगा। नेचर एक्सप्लॉयटेशन का सही मतलब मुझे UHV से जुड़ने के बाद समझ में आया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शॉपिंग करती थी, चीजें खरीदती थी, और सिर्फ नेचर को मैं सिर्फ एनवायरनमेंट सेव करने के उसमें ही लेती थी कि ज्यादा प्लांट ग्रो करो और ये करो और इसे बचाओ उसे बचाओ पोल्यूशन ना करो, और पर अब असली मतलब में समझ में आया कि हम ज़्यादा जब चीज़ें इकट्ठी करते हैं तो वो भी एक्सप्लॉयटेशन होता है। अपने शॉपिंग करने पे काफ़ी हद तक मैं रोक लगा पाई और अपनी चीज़ों को शेयर कर पाई। और भागीदारी की बात करूँ तो इस साल स्टूडेंट्स की इंडक्शन के दौरान जब हम अगस्त में हुई, हमारी AICT बेस्ड इंडक्शन नहीं होती है, तो उसमें मैं UHV के थोड़े वीडियो उन्हें दिखा पाई और वहाँ पे बैठ उनके अपनी सूझबूझ से जवाब देने के लिए, क्योंकि जुलाई में मैंने UHV किया था, तो उसके बाद मैं वीडियोस देखती रहती थी, और उसके बाद मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मेरी फैकल्टी को भी ये करना चाहिए, तो PIMT की मदद से सेल्फ फंडेड ने 26 से 28 अक्टूबर तक अपनी सभी फैकल्टी मेंबर्स के लिए ये प्रोग्राम चलाया। और उसके बाद कुमार भैया प्रियदर्शनी दीदी से मैं मिली, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी 24 नवंबर को। इसके अलावा कुछ मैं NGO से भी जुड़ी हुई हूँ, जैसे लायंस इंटरनेशनल, यूनिक और सेवा भारती वगैरह, वहाँ भी जब जब मुझे बोलने का मौका मिलता है तो मैं UHV बेस्ड ही बातें करती हूँ, वो अपनी फैमिलीज की प्रॉब्लम्स डिस्कस करती हैं, तो मेरी जो भी समझ होती है, ये सब करने के बाद मैंने उन्हें एक दो वीडियो लिंक शेयर किए, तो उन सब की भी इच्छा हुई कि हम भी UHV यहाँ पे करवाना चाहते हैं, तो आने वाले टाइम में मैं उसके लिए भी आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहूँगी। और मैं फिलहाल वाइस प्रेसिडेंट
हुई हूँ एसोसिएशन ऑफ इंडियन कॉलेज प्रिंसिपल्स में। वहाँ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के दौरान भी अगर हम यूएच करा पाएँ, जो कि 7 डेज का रहता है, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और आने वाली कॉन्फ्रेंस में भी एक सेशन रखना चाहेंगे जो कि साउथ में होगी। और हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में बोर्ड ऑफ स्टडीज वुमेन स्टडीज में भी प्रोफेसर मनु शर्मा जी प्रपोजल आया हुआ था और वो अब पास हो गया, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस ऑन 3 क्रेडिट कोर्सेज भी एनईपी 2020 के अकॉर्डिंगली प्रपोजल रखा गया था। धन्यवाद, मेरी तरफ सॉरी अगर मैंने ज्यादा टाइम लिया। तो अभी हम कुमार भैया को सुन लेते हैं। कुमार भैया नमस्ते। जी नमस्ते पुनः सभी को। नीना दीदी के लिए मैं कहूंगा कि उन्हें जिस तरह से पूरी बातों को स्मरण करते हुए शुरू से लेकर अभी तक की यात्रा को रखा और कैसे कैसे उन्होंने प्रयास किया है, कैसे बाहर से कहीं प्रेरणा मिली, कोई रिसोर्स मटेरियल मिला, तो कैसे अपने आप में वो लगी रही किसी तरह से अपने को रिजॉल्व करने के लिए। एक तो दीदी के शेयरिंग से ऐसा लगा कि भय का जो संस्कार गहरा रहा है, तो बहुत सारा प्रयास भी उन्होंने किया, तो इतना कुछ भय को केंद्र में रखकर किया। तो जैसे ही हम इस भाव पे काम करते हैं, जो अभ्यास एक में हम काम कर रहे हैं, हमको जो भाव स्पष्ट रूप से दिखने लगते हैं, तो फिर भय से मुक्ति होने लगती है। आपने ये भी कहा कि गुरु के जो सारे प्रयास थे, अब इस कंटेंट से जुड़ने के बाद उनका मूल्यांकन भी ज्यादा ठीक ढंग से कर पा रही। आपसे मिलना भी हुआ था जब हम लोग लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए एक दिन पंजाब में थे, पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो आपसे मिलना भी हुआ था। तो अच्छी संभावना है दीदी, आपके आपका जिस तरह का पद है और जिस तरह के दायित्व है उसके साथ जुड़ेंगे, तो नीतिगत ढंग से बहुत सारी भागीदारी आपकी हो सकती है। अब चूंकि बोर्ड ऑफ स्टडीज ने भी इसको स्वीकार लिया है, तो इस कोर्स को और इफेक्टिव बनाने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में और दूसरे यूनिवर्सिटीज में गंभीरता से काम हो सकता है। अभ्यास एक और दो के बिंदुओं पे अभी थोड़ा सा कम ध्यान गया है, उसको और ठीक से ऑब्जर्व करने की जरूरत है। ऐसा हो सकता है शुरुआती दिनों में जब हम ध्यान देना शुरू करते हैं तो एक प्रेरणा तो हमारी रहती है और उससे हमें आशा भी बनती है कि निकट भविष्य में अब चीजें पहले से बेहतर होंगी। परंतु जब तक वो बारीकी से एक प्योर ऑब्जर्वर के रूप में अपने आप को देखना नहीं होता, तब तक वो फिर ऊपर की क्रियाओं में काम नहीं शुरू हो पाता। इच्छा के स्तर पर भी काम कई बार शेष रह जाता है, तो उसके लिए और ठीक से अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है बैच 9 में आप दोनों साथी जुड़ेंगे और सुबह का सत्र अटेंड कर पाएंगे। नीना जी के लिए मैं कहूँगा कि सुबह का सत्र अटेंड करते रहें और भैया काफी। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मुझे लगता है इसी वजह से मैं कहीं वॉलंटियरिंग या कुछ कर पाती। मुझे भी लग रहा है कि काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। और मतलब कि जब सोचा कि ये बोलना है तो बीच में मिस पुराना इतना आता रहा, तो मैं सिर्फ उन्हीं बिंदुओं की तरफ ध्यान नहीं दे पाई। काफ़ी कुछ अब टाइम की रिस्ट्रिक्शन भी थी और मैं काफ़ी कोशिश करूंगी और मैं जुड़े ही रहूंगी आगे भी। जी जी अभी मेरे लिए बहुत कुछ सीखना शेष है। नहीं बढ़िया दीदी, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम संबंध पूर्वक एक दूसरे के सामने पारदर्शिता के साथ बात को रख पाते हैं, तो जो आपने रखा वो भी अच्छा है। कहीं हम पोर आउट तो करते ही हैं, अपनी पूरी बात को रखते हैं एक संबंध के भाव के साथ और एक आशा के साथ कि दूसरा व्यक्ति भी उसको सुनकर हमको स्वीकारेगा, तो अच्छी बात है दीदी, है ना। तो बट इसके साथ हम फिर आगे का और काम शुरू करेंगे एक प्योर ऑब्जर्वर के रूप में ऑब्जर्व करने का। मुझे लगता है कि जब भी कभी फेस टू फेस वर्कशॉप्स होते हैं आपके रीजन में, तो आप उसको जाकर अटेंड करें तो जी जी और अच्छा बिल्कुल रहेगा। जी बढ़िया दीदी, आप धन्यवाद। दोनों को मेरी तरफ से शुभकामना, बधाई।